हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग डिलीशियस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले की बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी। इसे आज मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। इस रेसिपी को एक बार आप श्योर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम छोले ले लिया है। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए सो करके रखा था। अब गैस के ऊपर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है। इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने पे 1 टीस्पून जीरा मैंने डाल दिया है। जीरा को थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबे पतले स्लाइस में कट करके मैंने डाला है। अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को लंबी स्ट्रिप में कट करके मैंने डाला है। 3 हरी मिर्च को रफली तोड़ करके डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून लिया है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून छोले मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे कुकर में डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ड्राई स्पाइसेस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टेबल स्पून जितना पानी ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और कुकर का ढक्कन ऊपर से ढक देंगे ताकि मसाले और प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, सारी चीज़ें अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे छोले जो हमने सोख करके रखा था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इससे छोले का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इस तरह से ऊपर से ढक्कन डाल करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो ये देखिए इसे पकते हुए 4 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है। मसालों के साथ में छोले भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिया है। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके इसमें 7 से 8 सीटी आने देंगे ताकि छोले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसमें 8 सीटी लगा करके मैंने स्टीम निकलने दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे साइड में इस तरह से मैश करते जाएंगे। इस तरह से छोले को मैश करने से ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है, ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाता है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से छोले सॉफ्ट हो गया है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए टेक्सचर बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है छोले का। अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर से ढक्कन ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। अब मैंने इसे सर्व कर लिया भटूरे के साथ में और देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, बहुत ही डिलीशियस बना है। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।